आपकी सिलाई मशीन का फुट प्रेस बार बार ऊपर उठ जाता है, जैसे इस मशीन में नज़र आ रहा है, तो लिफ्टर भी आपका काम नहीं करता, इसका भी जो पेच है वो पकड़ नहीं करता ब्राकेट की। तो आप इसको कैसे ठीक करेंगे, इसी वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इसको ठीक करने का तरीका। देखिए दोस्तों, जब मैं ऊपर करता हूँ तो नीचे लिफ्टर गिर पड़ता है और ये टाइट हो जाता है ब्राकेट, और इसका जो गाद है वो भी टाइट है, टाइट होकर ऊपर की तरफ आ जाता है और पेज की पकड़ भी नहीं हो रही अच्छे तरीके से इस ब्राकेट की। तो आपने इसको किस तरीके से ठीक करना है, आपने इसको भी चेक करना है, इस पेज को चेक करना है, इसकी चूड़ी को चेक करना है और इस गाज को चेक करना है, कैसे करना है इस वीडियो में देखिए। और वीडियो देखने से पहले प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। आपने इस फुट प्रेस को खोल लेना है, खोलने के बाद आपने इस लिफ्टर को चेक करना है और गाज को बाहर निकाल लेना है, इस तरीके से आपने इसको खोल लेना है। ये मैंने फुट प्रेस खोल लिया इसको, इसके बाद आपने इस ब्राकर पेज को लूज़ करना है, ये भी आपने पेज को आपने खोल लेना है। ये गाज वाला जो ऊपर वाला टोपी गाज है इसको कहते हैं हम, इस पुर्जे को आपने लूज़ करके गाज को बाहर निकालना है, इस तरीके से आपने लूज़ कर लेना है। ये पुर्जा बाहर आ गया, आपने यहाँ पर थोड़ा रख लेना है और इस स्प्रिंग को आपने बाहर निकालना है। स्प्रिंग को निकालने के लिए आपने पेचकस की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ दबाना है और ये स्प्रिंग बाहर आ जाएगा। स्प्रिंग बाहर आ गया, इसको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपने इसको यहाँ पर रख देना है और जो आपने देख रहे हैं ब्राकेट ये अभी फंसा हुआ है और गाज भी टाइट है, तो आपने इसको प्लास से बाहर निकालना है। ये आता है दोस्तों ऊपर आ रहा है और ये फंस चुका है गाज, इसको थोड़ा सा आपने घुमा लेना है। और आपने इस हैंडल को यहाँ पर आपने टाइट कर लेना दोस्तों, टाइट करने के बाद इसको थोड़ा सा घुमाएंगे जो गाज खुद भी बाहर आ जाएगा। ये भी टाइट है, ये गाज बाहर आ चुका है और ये ब्राकेट दोस्तों, इसका मॉडल मुख्तलिफ है आजकल मशीनों से, ये पुराने मॉडल का गाज ब्राकेट है, सिर्फ इसकी एक ही हिस्से था, ये देखें इस तरीके से होता है। और जो नए मॉडल का ब्राकेट है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये पुराने मॉडल का है ब्राकेट, गाज ब्राकेट, और ये देखिए नए मॉडल का है, देख रहे हैं आप दोस्तों, और ये पुराने मॉडल का है दोस्तों। तो हमने इसको ठीक करना है, यहाँ से पहले सफाई कर लेंगे दोस्तों, और लिफ्टर को भी आपने चेक करना है, लिफ्टर भी काम नहीं कर रहा था, आपने ये पेच लूज़ कर लेना है। या दोस्तों आपने इस पेच को लूज़ कर लेना है, लूज़ करने के बाद ये आप लिफ्टर को बाहर निकाल सकते हैं आसानी से। जो आप आपको सिखा रहा हूँ आपने वीडियो को गौर से देखना दोस्तों, और वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि मैंने इस वीडियो में क्या किया। दोस्तों देखिए पेज मैंने लूज़ कर लिया और पेज को बाहर बाहर निकाल लिया, जिसका पेज है और ये गाज ब्राकेट का लिफ्टर है। लिफ्टर भी देखें दोस्तों, ये भी पुराने मॉडल का है और यहाँ देखें एक साइड पर मुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ये देखें। और जो नए मॉडल का लिफ्टर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, नए मॉडल का है और ये पुराने मॉडल का है दोस्तों। ये पुराने मॉडल का लिफ्टर है, ये ख़राब हो चुका है, यहाँ से इसकी जो किनारी है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से ये गाज ब्राकेट काम नहीं कर रहा, ऊपर नीचे नहीं हो रहा, और जब ऊपर लिफ्टर हम करते हैं तो खुद ही नीचे गिर जाता है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये नए मॉडल का लिफ्टर यहाँ पर फिट करेंगे, ये पेच आपने यहाँ पर लगा देना दोस्तों इस तरीके से, जैसे मैं लगा रहा हूँ लगा देना, और पेच को आपने टाइट कर देना है। अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने ये
बराबर जो है उसका अपने पुराना मॉडल का बाहर निकाला था, इसको साफ़ करना है, इसकी चूड़ी चेक करनी है, और इसमें जो पेच है बिल्कुल छोटे साइज का लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये इसकी पकड़ नहीं हो रही और ये पुर्जे को टायर निकाला। इसकी चूड़ी अगले हिस्से से जो दो चूड़ी है वो ख़राब हो चुकी है, ये पेच आपने बाहर निकाल देना है, और लंबी चूड़ी वाला पेच आपने लगाना है जो थोड़ा बड़ा हो वो लगाना है आपने। दोस्तों ये छोटा पेच है, ये जो पेच मैंने यहाँ से खोला है अंदर की तरफ से ये चूड़ी इसकी ख़राब है, तो हम ये थोड़ा बड़ा पेच लगाएंगे, इससे बड़ा ये देखें दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा है उसकी निस्बत से, और ये छोटे वाला पेच हम निकाल देंगे। ये पेच भी हमने निकाल दिया और लिफ्टर भी हमने निकाल दिया, पेच भी हमने लगा देना है यहाँ पर, और ये ऐसे ही ब्रैकेट को अपने यहाँ पर लगा देना। दोस्तों ये ब्रैकेट मैंने फिट कर दिया है, और अब इसमें ये गाल जो मैंने खोला था ये वाला, इसका फुट प्रेस वाला दोबारा यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर हम रेगमाल वाला लगा लेंगे। रेगमाल का फायदा होगा कि ये गाल जो थोड़ा टाइट है थोड़ा लूज हो जाएगा। दोस्तों फिट करने से पहले हम थोड़ी इसकी सफाई कर लें, आइए लगाएंगे। दोस्तों अपने गौर से देखना है वीडियो में, इसको आपने दबा के नीचे फिट करना है, ठीक है। इसके बाद आपने ये हैंडल खोल लेना दोस्तों, स्प्रिंग फिट कर देना। अब ये फिट कर दें, इसका पुर्जा जो लगा हुआ था ऊपर उसको अपने टाइट कर दें। अपने गाल को थोड़ा दोस्तों निकाल लेना, इसके बाद अपने ये ब्रैकेट वाला पेज टाइट कर देना है, यहाँ से अपने इस पेज को टाइट करना है। दोस्तों जब आपने फुट प्रेस को लगाना है तो ये थोड़ा सा आपने इसको ऊपर कर लेना है, यहाँ से पेच लूज़ कर लेना है, और लूज़ करने के बाद आपने ये फुट प्रेस लगा लेना है, इस तरीके से लगाना है, और लगाने के बाद आपने इसको टायर करना है। ये पेच आपने लूज़ करना है, और लूज़ करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना है इस तरीके से। दोस्तों यहाँ से आपने इसको टाइट करना है, ये देखो दोस्तों इसका लिफ्टर मैंने चेंज कर दिया है, नए मॉडल का लगा दिया है, और पेज भी थोड़ा बड़ा लगा दिया है, ठीक है दोस्तों, और ये लिफ्टर भी काम कर रहा है ये देखें। दोस्तों आपने भी इसी तरीके से लिफ्टर चेंज कर लेना है। दोस्तों इसके बाद आपने कपड़ा नीचे रख लेना है, और रखने के बाद आपने इसके खिंचाई चेक कर लेनी है। अगर आपकी सिलाई मशीन का गाल ब्रैकेट की चूड़ी छोटे पेच वाली अगर ख़राब हो जाए तो आपने थोड़ा बड़ा पेच वाली चूड़ी लगानी है, इसका पेच लगा देना है, और लिफ्टर अगर पुराने मॉडल का ख़राब हो जाए तो आपने नए मॉडल का लिफ्टर यहाँ पर लगाकर फिट कर सकते हैं, और अपनी मशीन को चालू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो में समझ आ गई होगी आज मैंने आपको क्या सिखाया।